पास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 91.69% लड़कियां इस बार पास हुई हैं, 85.25% लड़के पास हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कानपुर के नगर के प्रिंस पटेल को पहला स्थान मिला है 97.67% अंक लेकर, प्रिंस पहले स्थान पर है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर, कानपुर के किरण कुशवाहा को दूसरा स्थान मिला है, कन्नौज के अनिकेत शर्मा को तीसरा स्थान मिला है, जबकि कानपुर के परक अवस्थी को, साथ ही साथ प्रयागराज की आस्था सिंह को चौथा स्थान मिला। वहीं पांचवे स्थान पर चार छात्र हैं, एकता वर्मा, अथर्व श्रीवास्तव, नैन्सी वर्मा, प्रांशी द्विवेदी को पांचवा स्थान मिला। टॉप 10 की लिस्ट की अगर बात की जाए तो 27 छात्र हैं। तो इस बार का रिजल्ट जो है 10वीं में 88.18% रहा है, और कुछ ही देर बाद अगर बात की जाए तो 12वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा शाम 4 बजे। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, इस बार 88.18% स्टूडेंट्स पास हुए, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के 85.25% प्रतिशत पास हुए, जबकि लड़कियां 91.69% अंकों के साथ पास हुई है। कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने यूपी में टॉप किया है, मुरादाबाद की संस्कृति दूसरे, जबकि कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे पायदान पर है। 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 25,20,000 जो है 634 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, और इनमें से कुल 22,22,745 बच्चे पास हुए, और इसमें 11,69,488 लड़के, जबकि 10,53,257 लड़कियां पास हुई हैं। रिजल्ट का ऐलान बोर्ड की डायरेक्टर सरिता तिवारी ने किया और सचिव दिव्यकांत शुक्ला इस दौरान मौजूद रहे। 2 घंटे बाद 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी, 10वीं में 85.25% लड़के पास हुए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं www.uprizults.nic.in पर जो 10वीं का रिजल्ट है बच्चे जो छात्र हैं वो देख सकते हैं। कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने 10वीं में टॉप किया है, 97.67% अंकों के साथ प्रिंस को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर रही है जिन्हें दूसरा स्थान मिला है, साथ ही साथ कानपुर की किरण कुशवाहा को भी दूसरा स्थान मिला है, कन्नौज के अनिकेत शर्मा को तीसरा स्थान मिला है, परक अवस्थी आस्था सिंह को चौथा स्थान मिला है। चौथे स्थान की अगर बात की जाए तो दो छात्राएं पांचवें स्थान पर, एकता वर्मा, अथर्व श्रीवास्तव, नैन्सी वर्मा और प्रांशी द्विवेदी को भी पांचवा स्थान मिला है। चार छात्राएं पांचवें स्थान पर, टॉप 10 की लिस्ट में 27 छात्रों के नाम शामिल है। यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, जिस मेहनत का इंतजार था छात्रों को, वो करीब 2 बजे घोषित कर दिया गया, 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सरिता तिवारी जो बोर्ड की डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिजल्ट जारी किया और उन्होंने बताया कि कितने फीसदी लड़के पास हुए, कितने फीसदी लड़कियां पास हुई, क्या रिजल्ट रहा। साथ ही साथ 97.67% लेकर प्रिंस, और दीपक हमारे साथ स्कोर पर सारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पिछली बार की तुलना में इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा कम है। देखिए कम जरूर है, लेकिन बच्चों के हौसले और उत्साह की हम दाद भी देंगे, क्योंकि कोविड काल में ये पूरा एग्जाम हुआ था और हर कोई बच्चा जो स्कूल या कॉलेज नहीं गया था वो घर पे रहकर उन्होंने मेहनत की थी, और यही कारण है कि जब आज रिजल्ट आया है तो बेटियों ने अपनी परंपरा का निर्वाह रखते हुए एक बार फिर से बाजी मारी है। हम इसमें गोरखपुर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में है, यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में जो बेटियां हैं वो पहुंची हुई हैं और आज जो ये पास हुई हैं उसका जश्न मना रही हैं, क्योंकि एक बड़ी मेहनत इन्होंने घर बैठे अपनी पढ़ाई की परीक्षा उन्होंने दिया, और ये इनकी मेहनत है कि पूरी तरह से आज रंग लाई है इन बेटियों की। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, कितना बड़ा आज खुशी का दिन आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है। हम सोचे थे उससे, मतलब हम सोचे थे, हमको लग रहा था कि मैं 90 अबव आएगा, लेकिन बाद में हमको लगा कि मैं 80 से भी कम हो सकता है, लेकिन बाद में हम रिजल्ट देखे मैं 82 है, मतलब 80 अबव, हमको 80 अबव चाहिए था और हमको मिल गया है। अच्छा बेटा, इस बार घर पे रह के आप लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई, तमाम दिक्कतें भी हुई, इसके बावजूद रिजल्ट अच्छा है, क्या कहेंगे आप? अभी जितना मेरे को जितना उम्मीद था उतना नहीं आ पाया अभी, मतलब कुछ कम आ गया, इसलिए मैं बहुत अपसेट हूँ। देखिए बेटियों की ये अगर कहें तो इनको जितना मिल जाए उतना ही, ये 80% 90% सभी की बेटियां पाई हैं, लेकिन इस पे भी इनको संतुष्टि नहीं है। कुछ और लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए बेटा, आज जो रिजल्ट आया है कितना आप लोगों को उम्मीद थी कि आपका जो रिजल्ट आया है वही आएगा, और आज कितना खुशी है आप लोगों की?
हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे आप आज? खुश है कि इतने मतलब इंतजार के बाद आ गए हम लोगों का यूपी बोर्ड रिजल्ट। इस बार कोविड की वजह से पढ़ाई भी नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से जो भी हम लोग कर पाए हैं उस हिसाब से हमारा नंबर बहुत अच्छा आया है। अच्छा आया है, तो पढ़ाई कैसे किया इस बार? सर 85 की उम्मीद थी बट कोरोना वजह से 79 आया है सर। फिर भी अच्छा है, 79 आया है तो उसको बुरा नहीं कर सकते, उदास मत होइए। आप लोगों का कितना रिजल्ट आया इस बार? सर अभी तो हम देखे ही नहीं। अच्छा, आपने देखा? आपका पास है? पास है। इस पास होने के पीछे बड़ा एक धीमे आवाज आ रही है। पास है। अच्छा, इस बार जितना मेहनत आप लोगों ने किया उसके हिसाब से रिजल्ट आया क्या? लगभग आया ही है। आ गया? यस सर, ठीक है, आया है, पास है हम लोग। पास है। अच्छा, इस बार कोरोना की वजह से तमाम क्लासेस भी नहीं चले, घर पे पढ़ाई आप लोगों ने किया, ऑनलाइन में तमाम दिक्कतें थी, बावजूद इसके रिजल्ट अच्छा आया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स हुई पर अगर कोरोना नहीं रहता तो हम लोग के शायद रिजल्ट्स और बेटर हो सकते थे, और घर पे रह के पढ़ाई करना पड़ा हम लोग को तो थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हुआ है बट फिर भी अच्छा आया हम लोग का। और जो बच्चे घर पे रह के पढ़ाई किए हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई पर फिर भी ठीक है। बेटियों ने एक बार फिर से बेटा बाजी मारी है पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? इस बार हम लोग कोविड की वजह से और अच्छा ला सकते थे लेकिन अब हम लोग अपनी मेहनत से अपने जितना ला सकते उतना लाए हैं। चलिए, ये बेटियां जो आज यहाँ पे पास हुई हैं वो काफी खुश हैं, हालांकि उनको उम्मीद इससे कहीं अधिक थी, लेकिन इस बार पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई, ऑनलाइन क्लासेज चले तमाम जगहों पे, घर पे रहकर लड़कियों ने पढ़ाई की, बावजूद इसके आज जो रिजल्ट आया है वो 91% से अधिक है, इसको देखते हुए अगर कहा जाए तो इनकी मेहनत आज रंग लाई है, काफी खुश है गोरखपुर में, और गोरखपुर और आसपास के जिलों में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उम्मीद लगाई थी 90 पाने की, हालांकि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा इनके हिसाब से ठीक नहीं हुआ। दीपक, लेकिन पास हो गए, ये छात्राओं से बात भी करेंगे। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या हालचाल वहां पर, कितनी खुशी छात्राओं में, क्या रिजल्ट रहा गाजियाबाद का भी? आप कहां पर मौजूद है? अगर छात्राएं आपके साथ हो तो उनसे बातचीत जरूर करिएगा। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित महर्षि दयानंद स्कूल में इस समय मौजूद हैं और जो छात्र हैं तमाम यहां पर छात्र छात्राएं दोनों ही यहां पर मौजूद हैं और दोनों ही बेहद खुश हैं और प्रिंसिपल भी साथ में हैं क्योंकि स्कूल का रिजल्ट बेहद अच्छा है। जो अब तक टॉपर की बात करें तो 91% जो स्कूल के टॉपर हैं उनका अभी विकास नाम बताया है वो जिन्होंने टॉप किया है। जो छात्राएं उनसे चाहूंगा एक बार विक्ट्री साइन दिखा दें क्योंकि काफी दिन से इंतजार था 10वीं यूपी बोर्ड के रिजल्ट का, और बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है, कितने परसेंट आपके आए? 88.83। और आपके कितने? 87.16। आप सबके कितने? 87। किसी के और ज्यादा? कैसा लग रहा है सबको, आज रिजल्ट आ गया है, जो पूरे साल की मेहनत थी उसका नतीजा आज मिला है? एक्साइटमेंट और दर्द दोनों एक साथ ही लग रहे हैं। बोल दें यस बॉस, बोले एक बार सब बोले यस बॉस। चलिए मैम, आप भी बताइए मैम, स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्या कुछ कहेंगे, कितने 10th क्लास में स्टूडेंट थे और ओवरऑल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, क्या रिजल्ट रहा है? ओवरऑल 416 बच्चों ने परीक्षा दी थी, और क्योंकि पूरा रिजल्ट अभी नहीं देख पाए, इंडिविजुअल रिजल्ट आ रहा है, स्कूल का अभी बोर्ड ने नहीं भेजा है, तो उम्मीद तो है कि हर वर्ष की तरह सभी बच्चे पास होंगे। ये वर्ष चुनौतियों से ज्यादा भरा हुआ था, कभी ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन क्लासेस थी, बहुत मेहनत बच्चों के साथ की गई, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की और पेरेंट्स का सहयोग मिला और स्पेशली टीचर्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड, और इस रिजल्ट पर हमें ज्यादा चिंता थी क्योंकि जो एफर्ट्स थे उसमें लगता था कि और गुंजाइश है अभी, और जैसा रिजल्ट अब तक देखने को मिल रहा है लग रहा है काफी अच्छा रिजल्ट है, तो हो जाए एक एक बार हिप 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 हिप। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी छात्र छात्राएं काफी खुश हैं, रिजल्ट काफी अच्छा आया है, जो उम्मीदें थी क्योंकि ये वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ था, उसकी वजह थी कोविड, लेकिन काफी अच्छा रिजल्ट स्कूल के अंदर आया। जो स्कूल के टॉपर हैं उनका नाम विकास है, 91% उनके आए हैं, अभी स्टूडेंट्स लगातार यहाँ आ रहे हैं, हालांकि सभी का रिजल्ट अब तक नहीं आया है, लेकिन जितने भी छात्र छात्राएं आप मेरे पीछे देख रहे हैं सभी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी ने अच्छे परसेंटेज के साथ 10th क्लास के अंदर फर्स्ट डिविजन से ये सब पास आउट हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम भूमि शर्मा है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 88 पॉइंट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं। बाकी सभी फ्रेंड्स के?
बाकी सभी फ्रेंड्स के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उनके भी जान के बहुत खुशी हो रही है। तो पार्टी होनी है, पक्का पार्टी होगी, ठीक है, कोशिश तो यही है। हिमांशु की पार्टी होगी और होनी भी चाहिए, एक साल का इंतजार, एक साल की मेहनत और उसका नतीजा, मेहनत का जो है रिजल्ट आ चुका है, पार्टी तो बनेगी। दीपक का ही रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके पास भी स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए, किस तरह की चुनौतियां उनको झेलनी पड़ी क्योंकि कोरोना काल बीच में था। एक जो कनेक्टिविटी होती है टीचर के साथ, एक सामने बैठकर और एक ऑनलाइन के थ्रू, काफी डिफरेंस हो जाता है। जी बिल्कुल, बच्चों से इसीलिए बात करते हैं बेटा, इस बार जो आप लोगों का परीक्षा हुआ वो पिछले सालों से थोड़ा सा टफ रहा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चले, कोरोना की वजह से दिक्कत हुई। कैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया, कितनी मेहनत इस बार ज्यादा करनी पड़ी? सर मेहनत तो करनी पड़ी ज्यादा, मुझे उम्मीद थी कि मेरा 73% आएगा लेकिन 76.16 आया। इस बार पढ़ाई कैसे किया आपने घर पे? सर बहुत मुश्किल था करना, ऊपर से कोविड पीरियड था तो नहीं हो पाया, बट 1% कम हो गया, बट 80 की उम्मीद थी कि 80+ आए। पेरेंट्स को भी उम्मीद थी कि हमको अच्छे से करना था, बस 1% कम। कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने अपने तरफ से जो कोशिश की उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपको भी लगता है कि इस बार जो मेहनत की उसके हिसाब से? मेरा गोल था 85% का, बट आया है 76%। इस बार दिक्कतें भी काफी रही होंगी कोविड के वजह से, पूरे साल पढ़ाई भी नहीं हुई थी, जो पहले साल जो हाफ ईयर पढ़ाई भी हुई है उससे मैम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगा के हम लोगों को अच्छे से पढ़ा दी, वरना वो भी मतलब साल गया ही था हम लोगों का इस साल भी। स्कूल में पढ़ाई हो पाई थी कि नहीं? हाँ, मैम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैम सर सभी टीचर्स हम लोग की प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा मेहनत करी कि बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान हो, इससे बहुत ज्यादा फोर्स भी करी थी पढ़ाई के लिए हम लोगों को, हर चीज की फैसिलिटी भी इधर पे थी लैब वैब की। अच्छा, आप लोगों ने जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के कितनी तैयारी की थी और इस बार खास क्या तैयारी की थी, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रहे? बहुत सारी तैयारी किया गया था तो नंबर भी अच्छा ही आया है। नंबर अच्छा आया, उम्मीद जो थी उससे बेहतर आया है? नहीं उतना नहीं आया, बट है ठीक है। लड़कियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। हाँ, मतलब कोरोना काल भी था, मतलब उसके वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्लासेस भी नहीं चल रही थी, तब भी हम लोग अच्छा, मतलब उम्मीद से ज्यादा नहीं लेकिन तब भी अच्छा आया है। बिल्कुल, इनके टीचर से भी बात कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ी मेहनत इन्होंने भी ऑनलाइन क्लास के जरिए की। सर कितना बड़ा जो रिजल्ट आया है बच्चों के लिए, अगर कहें तो एक आज गिफ्ट है जो रिजल्ट से जो नंबर्स हैं, आपकी कितनी बड़ी मेहनत आप इसमें देख पा रहे हैं? कोरोना के बाद या कोरोना काल में शिक्षकों ने ऑनलाइन काफी मेहनत किया था और बच्चों ने उसका सपोर्ट किया था, जिसका परिणाम आज देखने को हम सबको मिल रहा है। रिजल्ट आपके हिसाब से ठीक है, जो आप उम्मीद कर रहे थे? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। ये सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे हैं, इनका मानना है बच्चों का और इनके टीचर्स का कि जिस हिसाब से पढ़ाई हुई थी, जिस हिसाब से इन्होंने तैयारी की थी, उस हिसाब से रिजल्ट ठीक आया है। और अभी हाई स्कूल के बच्चों का रिजल्ट आया है, इंटरमीडिएट के बच्चों का रिजल्ट 4 बजे तक आएगा। माना जा रहा है कि जो रिजल्ट अभी 91% से अधिक बच्चियां पूरे प्रदेश में उनका रिजल्ट आया है, वही स्थिति कमोबेश इंटर के भी उसमें एग्जाम में होंगी क्योंकि बेटों से ज्यादा अगर कहें तो पढ़ाई बेटियां करती हैं घरों पर, और इस बार बेटियों ने घर का काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, ऑनलाइन क्लास किए, जिनके पास ऑनलाइन क्लास नहीं था उन्होंने सेल्फ स्टडी की और जो रिजल्ट आया है उससे वो काफी खुश नजर आ रही है। ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं, चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, दीपक कह रहे हैं कि बेटों से ज्यादा बेटियां पढ़ाई करती हैं और इसलिए इस बार बेटियों का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन टॉप एक लड़की ने ही किया कानपुर से। बिल्कुल, देखिए ये तो शाम तक ही पता चलेगा कि ओवरऑल जो रैंकिंग है टॉप 10 रैंकिंग उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है या लड़कों ने बाजी मारी है, लेकिन हाँ अमूमन ये देखने को मिलता है कि बेटियां नंबर 1 पर रहती हैं, लेकिन इस बार जो बेटे हैं उन्होंने नाम रोशन किया है और टॉप नंबर 1 पर जो रैंक में रहे हैं वो कानपुर से ही हैं। और यहां जो लड़के हैं उनसे इस विषय में बात कर लेते हैं। इस बार जो टॉपर निकला है वो कानपुर से एक लड़का है, क्या कुछ कहेंगे? हर बार बेटियों के हाथ में बात जाती थी, इस बार लड़के ने कुछ बोलेंगे इसको लेकर? बोलो यार, बताओ। अच्छा लगा जी। हर बार थोड़ा सा होता है ना कि डिमोटिवेट, लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, लड़के नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, अब लड़कों ने करा, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कहोगे भाई नंबर 1 रैंक पर? और मतलब लड़कों में लड़कियों में भेदभाव रहता है। भेदभाव रहता है, आपस में कॉम्पिटिशन रहता है कि नहीं? देखो टॉपर हम है। हाँ, कॉम्पिटिशन रहता है कि इस बार लड़के रहेंगे या लड़कियां, तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कों ने बाजी मार ली है। बाजी मार ली है, यानी कि जो पहले नंबर की रैंक थी वो लड़के ने हासिल कर। जी सर।
बाकी तो टॉप 10 की जो रैंकिंग है वो क्या रहेगी वो तो देखना होगा, बाकी सभी से कहूंगा एक बार आगे आ जाओ यार, अब तो रिजल्ट आ गया है, सबके चेहरे खुश हैं, ऐसे तो नहीं कोई किसी का रिजल्ट अच्छा ना आया हो, सभी का अच्छा है ना, पार्टी होगी ना सर, फिर क्या दिक्कत है, पार्टी होगी तो पार्टी वाली बातें हो जाए, क्या कहेंगे कितने कितने परसेंट आए, कितने परसेंट है 89.3 टॉपर विकास, जो विकास जिसका नाम हम सर आपसे ले रहे थे, ये वो है, ये महर्षि दयानंद स्कूल के टॉपर है, 91% इनके यहाँ पर आए, 91 ही है जी सर। विकास क्या कहेंगे, एक जो लड़का जो टॉपर है पूरे यूपी में जिसने टॉप किया है वो भी लड़का है और इस स्कूल के अंदर जिसने टॉप किया वो आप हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी मैं तो यही कहूंगा कि हमारे पापा का ये सहारा बना रहा और हमारे स्कूल वाले जो हमारे टीचर जो हम रात को ही फोन करते थे, मदद करते थे, जब भी कुछ क्वेश्चन में डाउट होता था तो रात को भी टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन मेरा सवाल ये है, हर बार लड़कियां बाजी मारती थी, इस बार लड़कों ने बाजी मारी, कैसा लग रहा है? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो हिमांशु विकास से ये जरूर पूछिएगा कि कोविड काल में जिस तरह से चुनौतियां देखने को मिली थी, क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी और अब क्या उसका रिजल्ट पर फर्क पड़ा, क्योंकि प्रिंस पटेल जो कानपुर नगर से जिन्होंने टॉप किया है 10th में 97.67 है और विकास के 91% है। हाँ विकास एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से ये कोविड का काल रहा तो कितनी ज्यादा परेशानियां पढ़ाई के दौरान इस बार देखने को मिली, जो टॉपर हैं उनके 97% हैं, आपके 91% हैं, तो इस दौरान वाकई परेशानी रही पढ़ाई को लेकर, क्योंकि एक साल का जो पीरियड रहा उसमें अप एंड डाउन और ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह से क्लासेस होती रही, तो कितनी परेशानियों भरा ये साल रहा? सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि शुरुआत के एक दो महीने यहाँ पे बहुत सारे जब ऑनलाइन क्लास चलती थी तो मीट पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती थी, इसलिए फिर यूट्यूब का भी सहारा लिया कुछ और से अपने टीचर्स का। ऑनलाइन इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी? नहीं सर। अगर ऑफलाइन पढ़ाई यानी स्कूल में आकर पढ़ाई होती तो क्या रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था, जो 91% है ये और भी अच्छी हो सकती थी? जी सर बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। तो आपने सुना विकास इस बात को कह रहे हैं कि अगर स्कूल में आकर पढ़ाई होती तो शायद जो 91% फिलहाल इनके आए हैं इससे कहीं ज्यादा परसेंटेज हो सकते थे, और जो स्कूल के अन्य छात्र हैं लगातार आते जा रहे हैं जिसको जैसे पता चल रहा है, और खुशी की लहर सभी के अंदर है, क्योंकि सभी यहां पर जितने भी छात्र आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं सभी पास हो चुके हैं, जो छात्राएं हैं वो भी चेहरे उनके खिले हुए हैं और वो लगातार आगे आ रही है, उनसे भी कहेंगे एक बार आए दोबारा से उनसे बात कर लेते हैं, सभी छात्राओं से आप जरा धूप में ना रहे आप छाओ में आ जाएं, अब तो आपका रिजल्ट आ चुका है, क्या कुछ कहेंगी, चेहरे बहुत मतलब स्माइली फेस है, आज पार्टी में क्या क्या होने वाला है, इधर आकर बताइए सामने आकर क्या क्या होने वाला है? जो फ्रेंड्स की डिमांड रहेगी सब होगा, क्योंकि इतनी खुशी है, हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एक्सपेक्ट करके रिजल्ट आया है। वरना लड़के बाजी मार गए, अगर आपको पता हो जो रैंक 1 आई है पूरे यूपी में वो एक लड़का है कानपुर का, उसने टॉप किया है यूपी के अंदर, और आपके स्कूल के अंदर भी जो लड़का है उसी ने टॉप किया है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? एफर्ट्स तो बहुत थे पर बहुत खुशी है अपने स्कूल के बच्चे का नाम आया है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चाहे कोई भी हो गर्ल्स हो या बॉयज हो, स्कूल का तो स्कूल में है, वैसे भी ओवरऑल यूपी के अंदर एक लड़के ने ही टॉप किया है, कंपटीशन रहता है, थी मेहनत की थी, अब उतना नहीं पला पाया, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस पूरी रहेगी, नेक्स्ट टाइम लड़कियां वो कहते हैं लड़कियां बाजी मारेंगे, यस सर डंका बजा देंगे, चलिए अगली बार और मेहनत करेंगे और लड़कों से ज्यादा नंबर लाएंगे, ये कहती हुई यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो नजर आ रही हैं, खुशी बहुत है, पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और पार्टी में क्या कुछ होगा खैर वो तो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो पेरेंट्स हैं वो लगातार स्कूल में आ रहे हैं और मिठाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि स्कूल का जो स्टाफ है फिलहाल लगा हुआ है मॉनिटरिंग में, जितने भी यहाँ पर छात्र थे छात्राएं थी 10th क्लास के अंदर वो उनके जो रोल नंबर है वो लेकर चेक किए जा रहे हैं, ठीक है हिमांशु आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे और अभी रुक कर लेते हैं दीपक का गोरखपुर से ही, जहां पर मिठाई विठाई भी खिलाई जा रही है, दीपक क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिली है दर्शकों को दिखाइए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स उनसे बातचीत करिएगा। देखिए मिठाई का डिब्बा लेकर के यहाँ पे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मौजूद थे और इन्होंने अभी बेटियों को यहाँ पे मिठाई खिलाई है और ये अब एक दूसरे को खुद खिला रही है, मिठाई खा लिया कि नहीं अभी? किस तरह से मिठाई आप लोग लेके आए थे अभी हाई स्कूल से? नहीं स्कूल से मैम मिले, ये मेरी फ्रेंड है इसको भी हम खिलाएंगे, बहुत अच्छा लगा, पास हो गई है और इसलिए कितना परसेंट बेटा आपका? 82% आया। आपका कितना परसेंट आया सर? मेरा 77 ही आया। आपकी फ्रेंड आपसे अधिक आ गई लेकिन फिर भी आप खुश हैं? हाँ खुश है क्योंकि मेरी फ्रेंड है वो, उसको जान देते हैं हम, मेरी जान है वो। चलिए ये बच्चे देखिए मिठाई खिला रहे, आप बेटा कितना परसेंट आपका नंबर आया? 82 82% आया,
खुश हैं आप अपने रिजल्ट? हाँ बहुत। अच्छा, लेकिन जब जो रिजल्ट आया है, हर साल बेटियां टॉप करती थी, आज एक लड़के ने टॉप किया है, कहीं कुछ बेटियां इस बार कुछ ढीली पड़ गई क्या पढ़ाई में? नहीं, सबने अपने हिसाब से अच्छी मेहनत करी है, उन्होंने ज्यादा करी होगी तो उनका अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आज जो रिजल्ट आया उसको लेकर? वैसे मेरा 89 आया है, इतना अच्छा है, सही है। आप खुश हैं अपने रिजल्ट से? हाँ। तो आज यहाँ पे तो मिठाई खा रहे हैं आप लोग, घर पे क्या पार्टी है आज? बस सब लोग मिलके पार्टी करेंगे, कोल्ड ड्रिंक यही सब। इस बार पढ़ाई कितनी मुश्किल रही बेटा, क्लास नहीं चले, घर पे रह करके आप लोगों ने करे? ऑनलाइन पढ़े थे ना। हाँ, अच्छी पढ़ाई हो रही थी। अच्छा हो गया पढ़ाई। स्कूल में टीचर्स ने कितना सहयोग किया? कुछ भी पूछो तो सब बता दे रही थी मैम और सर। हाईएस्ट कितना गया वैसे यूपी बोर्ड में? 91.67% लड़कियों ने बाजी मारी है पूरे प्रदेश में। और देखिए, हर कोई जो यहाँ पे मौजूद है वो आज खुश है, हर कोई ये चाहता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आज की इस खुशी को सेलिब्रेट कर सके। बेटा कितना परसेंट आपका रिजल्ट आया? 86%। आप खुश है अपने रिजल्ट से? बहुत खुश है। हाँ। मेरा टॉप 3rd में आया है स्कूल में। हाँ। वेरी गुड, बहुत बधाई हुआ आपको। आपका कितना? 87.6%। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपके पास वापस लौटेंगे दीपक। आस्था जिन्होंने जिनकी चौथी रैंक रही है 10वीं के रिजल्ट में, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है और न्यूज स्टेट की टीम की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपकी चौथी रैंक रही। क्या कहेंगी आप? आस्था, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या कहेंगी, आपका रिजल्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ही रहा? नहीं सर, उससे बेहतर रहा। आज तक किस तरह से तैयारी आपने की? आपको लगता है कि कोरोना की वजह से कुछ रिजल्ट में आपको जो उम्मीद थी उससे कम रहा या उससे ज्यादा रहा? क्या कहें? किसी से बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल। चलिए आस्था से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। चौथी रैंक थी आस्था की, और अगर उनके टॉप 10 की लिस्ट में बात करें तो आस्था चौथी रैंक पर थी। प्रयागराज से 97.17% उनको वो प्रतिशत उनको मिला, उनका परसेंटेज रहा इस 10वीं के रिजल्ट में। आज अगर बात करें तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है 10वीं में, 88.18% 10वीं का रिजल्ट रहा है जिसमें से लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हालांकि कानपुर से प्रिंस ने टॉप किया है 10वीं में, 85.25% बच्चे जो इस बार पास हुए लड़के, जबकि लड़कियां 91.69% पास हुई हैं। और कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने यूपी में टॉप किया है। मुरादाबाद की संस्कृति दूसरे नंबर पर है। दीपक आपके पास आएंगे, आप बातचीत कर रहे थे जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करिए और उनसे उनका उनसे पूछिए कि अब आगे की किस तरह से उनकी तैयारी रहने वाली है, क्योंकि अब 2 साल बाद वो 12th भी देंगी, क्या कुछ लेंगे और आज कैसा मूड रहने वाला है, परिवार के साथ कैसे वो एंजॉय करते हुए नजर आएंगे अपने रिजल्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीधे हम इन बेटियों के पास ही चलते हैं। हालांकि आज रिजल्ट अभी आया है और धीरे धीरे चूंकि अब रिजल्ट ऑनलाइन हो गया है जिसकी वजह से हर कोई अपने घर से ही बैठ करके पता कर लेता है कि कितना परसेंट उसका रिजल्ट आया है। लेकिन कुछ बच्चियां यहाँ स्कूल में पहुंची हैं और आज इस रिजल्ट को लेकर के क्या ये कहेंगी और क्या इनकी आगे की तैयारी है, इन्हीं से बात करते हैं। बेटा आज जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद आगे क्या तैयारी होगी, अब आगे इंटरमीडिएट के लिए क्या आप लोग? हम तो IPS तैयारी करेंगे। आपका क्या तैयारी होगा इसके बाद से? सर अच्छा, आज की क्या तैयारी है, घर पे आज किस तरह से एंजॉय करेंगे, किस तरह से इस पढ़ाई की जो आपका रिजल्ट आया है उसको सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा करेंगे सेलिब्रेट। हाँ। साल भर आपने पढ़ाई किया, बेटा आपका क्या तैयारी है आज? घर पे कुछ केक वगैरह बन गया क्या? यस सर, सर घर वाले भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम भी बहुत खुश हैं और सर बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। कितनी फ्रेंड्स थी, सभी पास हो गई? यस सर, सारी फ्रेंड्स। अच्छा, आप ही पास आउट होगी, कितने परसेंट रिजल्ट आया? 75.33%। तो आप सभी लोग खुश हैं अपने रिजल्ट से? हाँ। आगे क्या प्लान है, आगे हाई स्कूल के बाद से क्या करेंगे आप, किस फील्ड में जाने का प्लान है? डॉक्टर।
डॉक्टर का निकाला। ये बच्चे अभी यहाँ पे जो मौजूद हैं, फोटो सेशन इनका चल रहा है और इनकी मैम जो है उनसे भी बात करें तो मैम आज जो रिजल्ट आया आपके स्कूल के बच्चों का, कितना आपको लगता है कि आप लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो आज पूरी हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने पूरे साल चलाया, कितना मेहनत किया इसको लेकर? इसके लिए हम लोगों को दोहरी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाना, उसके बाद से भी बीच बीच में बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती थी तो हम लोग कॉलेज आते थे और वहां पे भी इनकी जो प्रॉब्लम होती थी वो टीचर अलग पर्सनल मिल करके बच्चे को की उस समस्या को हल करता था। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे विद्यालय के बच्चों ने यदि इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो इससे हम सब बहुत उत्साहित हैं और आगे आने वाले समय में भगवान न करे फिर कोरोना हो और बच्चे अच्छा रिजल्ट लाए। बिल्कुल, ईश्वर न करे कि फिर दोबारा कोरोना का कहर लोगों को झेलना पड़े। और जिस तरह से बच्चों ने कठिन मेहनत करते हुए इस बार पढ़ाई की है और अगर कहें तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इस बार इन्होंने पढ़ाई की है, उसमें भी अगर इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं तो बच्चों की मेहनत का ही अगर हम कहें तो उनको हम धन